नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूली मॉडिफाइड व्हीकल के बारे में, जिसको सीआरपीएफ की जो क्विक एक्शन टीम है यानी कि क्यूएटी वैली में ऑपरेट करती है, जो भी वहाँ पे नॉन सोशल एलिमेंट है उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन क्यूएटी के साथ एक मॉडिफाइड व्हीकल आपको देखने को मिला है। तो इसी व्हीकल के बारे में हम बात करेंगे, इस पे जो मॉडिफिकेशन है और इसको लेकर जो आर्मिंग है वो कैसे की गई है, मतलब किस तरह के वेपन और फायर पावर ये कैरी कर रहा है। अगर बात करें तो इस व्हीकल को लेके, तो ये वही व्हीकल है जो कि जेएनके पुलिस और सीआरपीएफ ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। इसके बेस वेरिएंट को, जिसे आप सभी जानते होंगे मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल के नाम से, इसको बनाया अशोक लेलैंड ने। अगेन यहाँ पे हम जल्दी से व्हीकल को लेके जो मोबिलिटी है, प्रोटेक्शन है और फायर पावर है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो जो मोबिलिटी और प्रोटेक्शन है उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। तो ऑल टेरेन मूवमेंट के लिए जो यहाँ सस्पेंशन दिया गया है वो सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीफ सस्पेंशन है। वहीं पे जो डबल एक्शन टेलीस्कोप है वो भी यहाँ पे है। एक्सेल की बात करते हो, एक्सेल टाइप की, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है मोबिलिटी में, तो यहाँ पर जो एक्सेल टाइप है वो फुल्ली फ्लोटिंग है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो व्हीकल का वेट होगा वो एक्सेल केसिंग पे कैरी करी जाएगी, न कि हाफ शाफ्ट पे। मतलब असेंबली के अंदर जो फ्लोट होता है वो व्हीकल का वेट कैरी करेगा और जो बाकी के एलिमेंट है वो टॉर्क को ट्रांसफर करेंगे व्हील की तरफ। मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 285 mm का दिया गया है, जबकि जो इसके टायर हैं वो फ्लैट होने पे भी रन कर सकते हैं 13 से लेकर 20 किलोमीटर के अराउंड। यहाँ पे जो ब्रेक दिए गए हैं वो एयर ब्रेक दिए गए हैं डुअल लाइन ABS के रूप में, जबकि जो स्प्रिंग ब्रेक है वो भी दिया गया है। 6 यहाँ पे फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर है। पावर की बात करते हो तो तकरीबन 150 किलोवाट की जो पावर है वो इसका इंजन जनरेट करता है। तो ये तो रही बात मोबिलिटी को लेके, जो कि कहीं ना कहीं इस व्हीकल को हेल्प करता है भारत में कहीं भी ऑपरेट होने में। स्पेशली ऑपरेट हो रहे हैं सीआरपीएफ के साथ और जेएनके पुलिस के साथ कश्मीर वैली में, तो उस जैसे ये रीजन में ऑपरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो पर्याप्त है। प्रोटेक्शन की बात करते हो तो व्हीकल के साइड के जो आर्मर है लोअर साइड के, वो तकरीबन 8 kg का जो TNT ब्लास्ट है वो झेल सकते हैं दोनों साइड। पूरे व्हीकल पे जो प्रोटेक्शन है वो BR6 का है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन। और जब आपके पास ब्लास्ट प्रोटेक्शन 6 का होता है तो वहाँ पे जब आपका व्हीकल है वो 7.62 51 mm को भी झेलने में सक्षम होता है, जो कि ये झेल पाएगा 10 मीटर की दूरी से, या फिर जो बुलेट की स्पीड होगी वो 830 mph की होगी तो ये उसको भी झेल सकता है। व्हीकल के अंदर जो सीट दी गई है, तकरीबन 10 लोगों के बैठने की सीट दी गई है, और जो भी सीट है वो रूफ माउंटेड है, मतलब उनका जो कनेक्शन है सीट का कनेक्शन वो व्हीकल के फ्लोर से नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपके व्हीकल के नीचे ब्लास्ट होता है तो क्रू पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम पड़ता है, क्योंकि जो सीट है वो ग्राउंड से नहीं जुड़ी है, वो रूफ से जुड़ी है। वहीं पे जो भी सर्वेलेंस डिवाइस यहाँ लगाई जाएगी उनके लिए जो एक LED मॉनिटर वो दिया गया है, जबकि व्हीकल में एयर कंडीशनिंग है कंप्रेस्ड एयर के थ्रू। तो यहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग है वो HVAC के रूप में दी गई है, मतलब हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होगा कि जिस तरह की जो कंडीशनिंग है वो चाहिए होगी, उसको इवनली देने के लिए व्हीकल के अंदर कई सारे वेंट दिए गए हैं, जिससे कि जो वेंटिलेशन है वो भी मेंटेन रहेगा। व्हीकल के साइड में फायरिंग पैट होल दिए गए हैं, जिससे कि जो भी आपके क्रू होंगे वो व्हीकल में बैठे बैठे फायर कर पाएंगे। अब जो सभी यहाँ पे इक्विपमेंट माउंट किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RC LED की, जो कि सर्च लाइट के रूप में दिया गया है व्हीकल के चारों तरफ। इससे आपके क्रू मेंबर को अंधेरे में भी देखने में आसानी होगी। अगला आपका VHF एंटीना, जो कि कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है, टेली कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि 12 के नंबर में बैरल है वो दिए गए हैं, और वहां से आप ग्रेनेड को लॉन्च कर सकते हो। अगला आपको दिख रहा होगा सोनिक वेपन, जिसको आप कहते हो DAW, मतलब डायरेक्ट अकोस्टिक वेपन, या फिर LRAD, लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस। इसको इनिशियली बनाया गया था लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन इस तरह के डिवाइस के जो डेसिबल कैपेसिटी होती है वो काफी हाई होती है, तो आमतौर पर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है क्राउड के ऊपर नॉन लिथल वेपन के फॉर्म में। मतलब कुछ समय तक ये आपको बहरा कर सकता है, क्योंकि ये एमिट करते हैं तकरीबन 30 से लेके 60 डिग्री बीम को, जो कि 2.5 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की होती है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। जो अगला क्रूशियल एलिमेंट है वो आपको दिख रहा होगा ड्रोन के रूप में, तो वो चीज यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है एयरबोर्न GPR के रूप में, मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसका आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो जैसे कि आप व्हीकल में बैठे हो और ड्रोन को आप आगे भेज दोगे, और आपके व्हीकल के पाथ में जो भी एरिया होंगे वो इस ड्रोन पर लदा हुआ जो आपका GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, वो स्कैन कर लेगा और जमीन के तकरीबन 8 से 10 मीटर गहराई में जो भी एलिमेंट होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। मतलब अगर आपके एनिमी ने कोई भी माइन बिछाया होगा तो आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलाके दे देगा। वहीं पे आपको दिख रहा होगा रोप लॉन्चर, जो कि न्यूमेटिक रोप लॉन्चर है, हाइड्रोलिक से ऑपरेट किए जाते हैं और एक लंबी दूरी तक रस्सी को फेंकने में सक्षम है। तो इस तरह का जो की सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी आ सकती है। अगला आपको सिस्टम दिख रहा होगा वो है एंटीना, जो कि पैराबोलिक ग्रिड एंटीना है, और इस तरह के एंटीना आमतौर पे UHF के रूप में दिए जाते हैं, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। इसके माध्यम से आप क्या करते हो कि जो भी वीडियो आपके सर्वेलेंस कैमरा या फिर जो अदर ऑनबोर्ड कैमरा है वो देख रहे होंगे, तो उसको आप कहीं और भी भेज सकते हो किसी और कमांड सेंटर पे। फिर आपको दिख रहा होगा एयर लिफ्ट हुक, इस तरह के हुक का इस्तेमाल करके आप इसको हेलीकॉप्टर से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
यानी कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से, फिर आपको दिख रहा होगा नाइट विजन और थर्मल विजन। इस तरह के डिवाइस की हेल्प से आप रात में भी चारों तरफ जो निगाहें हैं वो बना पाओगे, क्योंकि ये रोटेट भी होगा दोनों तरफ। फिर आपको दिख रहा होगा क्लोज्ड कैमरा सिस्टम, और ये भी चारों तरफ दिन में देखने में सक्षम है आपके व्हीकल के अराउंड। वहीं पे मैग्नेटिक रोटेटिंग बीकन दिया गया है, आप जानती होंगी ये क्या होते हैं, अलर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पे जो भी इसके विंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है सेट आमा देके। तो ये कुछ की सिस्टम है। इनके अलावा भी व्हीकल के पीछे हाई मैस्ट पीटीजी कैमरा दिया गया है, मतलब एक कैमरा माउंट किया गया है मैस्ट के ऊपर, और वहां पे आप मैस्ट की हाइट बढ़ाकर एक ऊंचाई से देख पाओगे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या चल रहा है। तो ये कुछ सिस्टम दिए गए हैं। इसके साथ ही जो टेलीस्कोपिक लैडर है, अल्मीनियम टेलीस्कोपिक लैडर, वो दिया गया है, हैमर दिया गया है, डोर ब्रेकर दिया गया है, प्लस जो आपके पेपर गन है वो भी दिए गए हैं। सो इन कुछ इक्विपमेंट से इस व्हीकल को लैश किया गया है, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सिचुएशन को और जल्दी समेटने में CRPF की जो QAT है उनको हेल्प करने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।